स्टोन मॉलिक्यूल। डीएनए कौन से चार्ज है डीएनए के ऊपर? नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन में। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में 8 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 8 मॉलिक्यूल्स इधर दिखाओ, 8 मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे करो, 8 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना, ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स हैं। 8 मॉलिक्यूल है इसलिए इसका नाम है ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, क्या नाम है ये? इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का धागा इसके ऊपर लिपटा रहता है, डीएनए का धागा रैप्ड होता है, ठीक है। फिर एक और अलग से इस तरह के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर डीएनए रैप होगा। बीच में लिंकर डीएनए रहेगा, दो को कनेक्ट करने के लिए बीच में लिंकर डीएनए रहेगा। सबसे पहले डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप होती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 8। इसलिए इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इस हिस्टोन ऑक्टामर ये पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज इट इज रिच इन अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब इसके ऊपर डीएनए रैप होता है 200 बेस पेयर। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये जो डीएनए रैप होता है 200 बेस पेयर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये बना क्रोमैटिन और फिर से इसमें पैकेजिंग के बाद क्रोमोसोम बनते हैं।